Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today if you're watching me for the first time, my name is Tanya and I welcome you all to my channel Tanya Remake. So in today's video, I will be showing you how to remove blackheads and whiteheads from your nose. तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कई बार पूछते रहते हैं कि ब्लैक हेड्स को कब रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है. तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो बहुत ही वर्थ बाइंग है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. सो अभी मेरे नोज़ में ना ब्लैक हेड्स हो चुके हैं मुझे. कम से कम मैंने 15-20 दिन पहले स्ट्रिप यूज़ करी थी. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ सैनफे की डीप प्योरीफाइंग नोज स्ट्रिप्स. इसमें 6 नोज स्ट्रिप्स मिलती हैं. इट इज़ वेरी क्विक, ईजी एंड इफेक्टिव. So it has Fuji green tea and witch hazel. So it removes blackheads and unclogs pores. And it is for all skin types. इसका price है ₹199 और इसको मैंने Amazon से purchase किया है. इसका link मैं description box में mention कर दूँगी, तो आप check कर लीजिएगा. So this Sanfe deep purifying nose strips are one step cleansing treatment specially designed to unclog pores and lift away unwanted blackheads. The strip removes dirt and oil which clog pores, leaving your skin clear and smooth. So now you can see the packaging. और इसमें कम से कम 3-4 nose strip मैं use कर चुकी हूँ और इसकी packaging silver color की होती है जिसमें लिखा होता है one deep cleansing nose strip. और इसको मैं अब किस तरह से यूज़ करती हूँ तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना चाहिए, पैड ड्राई कर लीजिए. उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर लेना है, वार्म नहीं करना है, नॉर्मल वाटर लेना है और अच्छे से अपनी नोज़ पे और नोज़ के अगल बगल में अप्लाई कर लेना है. क्योंकि जो नोज़ स्ट्रिप होती है वो जब आप अपनी नोज़ को वेट कर लेते हैं तभी वो ईजिली अच्छे से स्टिक होती है. तो ये लाइट ग्रीन कलर की आती है और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन. इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू हिप हॉप चारकोल नोज स्ट्रिप और मैंने वो भी शेयर किया था. अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर टैप करके वीडियो देख सकते हैं. तो जो इसकी ट्रांसपेरेंट शीट होती है इसको आपको रिमूव करना है और फिर जो वो वाला पार्ट होता है वो स्टिकी होता है तो उसको आपको अपनी नोज़ पे स्टिक कर लेना है. एंड अच्छे से नोज़ पे स्टिक कर लीजिए. उसे 2-3 मिनट के लिए प्रेस करे रखिए. एटलीस्ट फॉर अ मिनट आपको उसे अच्छे से प्रेस करना है कि वो ईजिली हर एक पार्ट पर स्टिक हो चुकी हो. बिकॉज जो नोज़ के साइड्स होते हैं उस पर ये अच्छे से स्टिक नहीं होती है और अगर स्टिक नहीं होगी तो फिर वो ब्लैक हेड्स को रिमूव नहीं कर पाएगा. तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से स्टिक किया है. बस हाँ, थोड़ा सा ये राइट साइड में चला गया है. बट आपको इस तरह से नोज़ स्ट्रिप को स्टिक करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है. एंड ऑल्सो गाइज, जब भी आप नोज़ स्ट्रिप को स्टिक कर रहे हों अपने नोज़ पे तो कम से कम बोलें और ज़्यादा हंसे ना ताकि वो रिमूव ना हो कहीं से भी. तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और स्ट्रिप जो है वो थोड़ी सी आपको हार्ड फील होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है रिमूव करना है उसे. तो अब जिस तरह से मैं इसे रिमूव करूँगी उसी तरह से आप भी रिमूव करिए. आप अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइटली होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे रिमूव करिए. और इसमें ये काफ़ी अच्छे से टाइटली स्टिक्ड है तो इसको रिमूव करने पे हो सकता है कि थोड़े से आंसू आ जाते हैं. बट बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है. लेकिन हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन हो और रिमूव करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस स्ट्रिप के ऊपर थोड़ा सा वाटर लगा सकते हैं तो वो ईज़िली रिमूव हो जाता है. तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या फिर नोज़ में जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं इसने ईजिली रिमूव कर दिया है. और मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ, साफ साफ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं सब कुछ रिमूव हो गया है. सो गाइज, मेरी जो नोज़ है वो स्मूथ लग रही है, क्लियर हो गई है और शाइनियर भी लग रही है. तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर जाते हो या फिर आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कितने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हो. मैं इसे 15-20 दिन में एक बार यूज़ करती हूँ. एंड सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड. एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय.